सो फिर अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड मिला है तो उसके साथ आपको पिन नंबर नहीं मिलता है, आपको खुद से एटीएम पे जाके पिन नंबर बनाना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव एटीएम पे जाके पिन नंबर बना के देखाऊंगा दोस्तों, आप अपने एटीएम के लिए कैसे पिन नंबर जनरेट कर सकते हैं, लाइव में मैं करूंगा और आप भी देख के कर सकते हैं दोस्तों। आपको एटीएम पे जाने से पहले तीन डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा एटीएम का पिन जनरेट करने के लिए। सबसे पहले आपको ले जाना पड़ेगा पासबुक, क्योंकि आपको अकाउंट नंबर चाहिए। सेकंड आपको ले जाना पड़ेगा दोस्तों आपका फोन, क्योंकि आपका फोन पे एक ओटीपी आएगा। थर्ड आपको ले जाना पड़ेगा दोस्तों आपका एटीएम कार्ड। तीनों लेकर मैं भी एटीएम में जाऊंगा और आपको सामने लाइव मैं एटीएम का पिन नंबर जनरेट करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन उसको मार के ऑल कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एटीएम कार्ड को चिप साइड से एंटर करवाना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है, निकलना नहीं, छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए अंदर में। अभी आपके सामने भाषा आ जाएगा दोस्तों, आपका पसंदी भाषा कौन सा है। मेरा पसंदी भाषा इंग्लिश है, इसलिए दोस्तों इंग्लिश वाला जो बटन है, इंग्लिश का बगल में जो बटन है उस बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। आप भी इंग्लिश का बटन में जो बटन है उसमें आप क्लिक कर दीजिए। मैं आपके सामने देखिए दोस्तों, अभी मैं क्लिक कर लेता देता हूँ, देखिए क्लिक कर दिया। अभी नेक्स्ट पेज खोल के आ जाएगा दोस्तों। तीनों ऑप्शन के अंदर देखिए, जहाँ पे मेरा एरो चिन्ह है दोस्तों, सेट पिन बोल के जो ऑप्शन है उस वाला बटन पर आपको क्लिक करना है, सेट पिन। अभी आपको यहाँ पे आपका जो 14 डिजिट आपका अकाउंट नंबर है दोस्तों, बैंक पासबुक के अंदर जो अकाउंट नंबर रहता है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे भरना पड़ेगा। देखिए मैं भर लेता हूँ दोस्तों 14 डिजिट अकाउंट नंबर। उसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, करेक्ट बगल में जो बटन है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ऊपर में जो बटन है उस बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको दोस्तों अकाउंट नंबर भरना पड़ेगा, सेम अकाउंट नंबर फिर आपको भरना पड़ेगा दोस्तों। भरने का दोस्तों फिर आपको सेम करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आपके सामने मैं मेरा अकाउंट नंबर फिर भर लेता हूँ, सेम अकाउंट नंबर को फिर भर लेता हूँ। चलिए भरने दीजिए। उसका दोस्तों आपको ऊपर में जो करेक्ट बोल के जो ऑप्शन है उसका बगल में जो स्विच है उस बटन को आपको दबाना पड़ेगा। चलिए मैं आपके सामने दबा देता हूँ, देख लीजिए मैं दबा दिया। अभी आपको क्या होगा दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन खोल के आ जाएगा दोस्तों। अभी टेंशन हो रहा है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों टेंशन होने के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपका जो अकाउंट फोन नंबर है दोस्तों, जो फोन नंबर आप बैंक के खाता खोलने का टाइम में जो फोन नंबर दिया था उस फोन नंबर को आपको यहाँ पे भरना है दोस्तों, 10 डिजिट उस फोन नंबर को। मैं आपके सामने मेरा फोन नंबर भर लेता हूँ दोस्तों। फोन नंबर 10 डिजिट होता है, भरने का दोस्तों प्रेस इफ करेक्ट बोल के जो ऑप्शन है उसका बगल में जो स्विच है उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसमें क्लिक करना दोस्तों आपका फोन नंबर पे, अभी जो फोन नंबर डाला है दोस्तों उसमें एक ओटीपी जाएगा 4 डिजिट का, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। देखिए मेरा मोबाइल पर ओटीपी दोस्तों आ चुका है दोस्तों, अभी मेरे को यहाँ पे भरना है दोस्तों। अभी आपके सामने मैं ओटीपी भर लेता हूँ दोस्तों, आप देख लीजिए दोस्तों। अभी मैं आपके सामने ओटीपी भर लिया, देखिए दोस्तों आपके सामने ओटीपी भर लिया, फिर ऊपर में यस में क्लिक करना दोस्तों। अभी आपके सामने ट्रांजेक्शन हो रहा है दोस्तों। अभी आपके सामने मेन पेज खोल के आ जाएगा दोस्तों, जिस पेज के लिए आप वेट कर रहे हैं। आपको पिन नंबर जनरेट करना है दोस्तों, अभी पिन नंबर वाला पेज आपके सामने खोल के आ जाएगा दोस्तों। आपको मन मर्जी एक पिन नंबर दीजिए दोस्तों, जो पिन नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा आपके लिए। और दोस्तों कभी भी किसी के साथ पिन नंबर शेयर मत करिए। देखिए अभी आपको पिन नंबर भरने के लिए बोल रहे हैं, आप 4 डिजिट पिन नंबर यहाँ पे भर दीजिए। मैं आपके सामने भर देता हूँ दोस्तों, आप देख लीजिए दोस्तों। अभी मैं आपके सामने टाइप करता हूँ दोस्तों, मेरा मन मर्जी का 4 डिजिट पिन नंबर मैं भर दिया दोस्तों। भरने का फिर आपको सेम पिन नंबर और एक बार एंटर करना पड़ेगा दोस्तों, री एंटर पिन नंबर बोल के आ रहा है दोस्तों, वही सेम पिन नंबर और एक बार आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए मैं आपके सामने और सेम पिन नंबर और एक बार एंटर कर लेता हूँ दोस्तों, देखिए एंटर कर लेता हूँ दोस्तों। सो फिर देखिए आपका काम कंप्लीट हो चुका है, योर ट्रांजेक्शन इज प्रोसेसिंग, मतलब आपका पिन नंबर जनरेट हो रहा है दोस्तों। अभी आपके सामने सक्सेसफुल का अपडेट आ जाएगा दोस्तों। फ्रेंड जब तक पिन नंबर बन रहा है तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन आ रहा है दोस्तों उसको मार के ऑल कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही डेली हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों आपके सामने अभी नेक्स्ट पेज आ जाएगा दोस्तों, उस पेज में लिखा आएगा दोस्तों आपका पिन नंबर सक्सेसफुल है। देखिए पिन चेंज सक्सेसफुल, मतलब आपका पिन नंबर बन चुका है दोस्तों। इस पिन नंबर से आप किसी भी टाइम अभी आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं दोस्तों।